ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया। घायल अवस्था में बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश 2018 से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। दरअसल शुक्रवार शाम को सूरजपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि 5 वर्षों से फरार चल रहा एक इनामी बदमाश थाना क्षेत्र के जुनपद गाँव में आ रहा है और उसी को लेकर पुलिस ने गांव के बाहर घेराबंदी शुरू कर दी। जनपद गोल चक्कर पर बदमाश को पुलिस ने आता देख रोका, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जैतपुर की तरफ जाने वाले रोड पर करीब 100 मीटर आगे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आज जुनपत चौराहे के पास हमारी सूरजपुर की टीम चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान संदिग्ध एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रोका टोका गया तो वो बहुत तेजी से भागा और पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। वो अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है।